हेलो प्यारे बच्चों बच्चों, आज क्लास 10th आईसीएसई बोर्ड चैप्टर 12 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के कुछ और अच्छे न्यूमेरिकल्स को करेंगे, जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन हैं। इन द सेम हमारे पास फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड तीन क्वेश्चन हैं, एंड देन वी विल डू सम मोर क्वेश्चंस रिलेटेड टू द सेम इन द प्रीवियस ईयर। ठीक है, अपीयर्ड इन बोर्ड। क्वेश्चन फर्स्ट है, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए फॉर विच द फॉलोइंग पॉइंट्स ए बी एंड सी आर कोलिनियर। ठीक है, हेंस फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन के लिए हमारे पास लास्ट क्लास में हमने देखा था कि टू पॉइंट से अगर कोई इक्वेशन जाता है या लाइन जाती है तो उसका इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। बट अभी हमारे पास कंडीशन है कि वी नीड टू सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ ए वेयर द पॉइंट ए बी एंड सी आर कोलिनियर। थोड़ा सा इसको समझते हैं, कोलिनियर अगर होगा तो क्या होगा। देखिए, मान लीजिए ये आपके पास एक लाइन है, लेट ए सी को, ये हमारी लाइन है। ठीक है, और बी बिटवीन में कहीं लाई करता है, तो आप ये समझ रहे हैं एक सेक्शन फॉर्मूले का कॉन्सेप्ट है। तो आपने सेक्शन फॉर्मूले से तो इसको निकालना सीखा है नहीं, और अब हम सीख रहे हैं बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्ट्रेट लाइन। ओके, मान लेते हैं कि एक लाइन जो कि ए बी है, ए बी, एंड दूसरी लाइन जो कि बी एंड सी है, आर मूविंग इन द सेम लाइन। ठीक है, तो अगर ये दोनों पैरेलल टू ईच अदर होंगी, वट एवर की वो ए टू सी जा रही है या सी टू ए जा रही है, तो आप यहां पे इन दो लाइंस के लिए क्या कर सकते हो, लाइन ए टू बी, और यहां से आपने इसी लाइन को क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये हो जाएगी टू सी। ये बात आ गई समझ में? तो कंडीशन कैसी फॉलो हो रही है, पैरेलल की। पैरेलल के लिए हमारे पास क्या होता है, स्लोप एम वन इक्वल टू एम टू। तो ये आपकी इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की टेक्निक होगी। अगर आपको इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन के बिहाफ पे कोलिनियर की कंडीशन प्रूव करनी है, तो आपको उन तीनों पॉइंट से दो स्लोप निकालने हैं। फर्स्ट टू पॉइंट का स्लोप एम वन एंड सेकेंड पॉइंट का स्लोप एम टू। अगर वो दोनों लाइन को इनसाइड है, इसका मतलब वो पैरेलल भी होंगी। ओके, यहां पे हम लिख लेते हैं, इफ टू लाइंस आर पैरेलल, ठीक है, टू ईच अदर, देयर फोर दे आर ऑल्सो कोलिनियर। ओके, तो वो क्या होंगी, कोलिनियर भी हो सकती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉन्सेप्ट है। नाउ कैलकुलेट स्लोप एम वन। एम वन आपके पास हो जाएगा, पॉइंट आपके पास ए है, ए कोमा थ्री, बी पॉइंट है आपका टू कोमा वन, एंड सी पॉइंट है आपके पास फाइव कोमा ए। क्लियर? नाउ ये हो जाएंगे पहले दो पॉइंट, तो यहां से आप निकालेंगे एम वन, तो एम वन आपके पास हो जाएगा वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन फ्रॉम द फर्स्ट टू पॉइंट्स, एंड सेकंड टू पॉइंट से क्या हो जाएगा, वाई थ्री माइनस वाई टू अपॉन एक्स थ्री माइनस एक्स टू। ये कॉन्सेप्ट यूज कर लिया, और अब हमने यहां पे वैल्यू रखी, वन माइनस थ्री अपॉन टू माइनस ए इक्वल टू ए माइनस वन अपॉन फाइव माइनस टू। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा माइनस टू अपॉन टू माइनस ए, एंड ए माइनस वन इज थ्री। इसको सॉल्व कर लीजिए। ओके, ये हो जाएगा आपके पास माइनस सिक्स इज इक्वल टू टू माइनस ए ए माइनस वन। सॉल्व द इक्वेशन, दिस विल यू गेट टू ए माइनस टू
माइनस ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू माइनस सिक्स, ठीक है। इसको आप सॉल्व करेंगे, ऑल वैल्यूज को इधर ले आएंगे, तो ये पहले हम इसको लिख लेते हैं। देखिए 2a पॉजिटिव एंड दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, ये हो जाएगा आपके पास 3a एंड माइनस टू माइनस ए स्क्वायर, ऑल थिंग्स को इधर ले आओगे तो हो जाएगा आपके पास ए स्क्वायर माइनस थ्री ए एंड माइनस टू इधर आएगा, माइनस सिक्स के साथ ऐड होगा तो हो जाएगा आपके पास माइनस फोर इक्वल टू जीरो। ये आपके पास एक इक्वेशन आ जाएगी क्वाड्रेटिक। अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, पेयर बना सकते हैं, क्या हो जाएगा, दिस कैन बी फोर का ऐसा फैक्टर जो आपको माइनस जो आपको थ्री देगा वो हो जाएगा फोर इंटू वन, तो आपके पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस फोर ए प्लस ए माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो ए कॉमन लोगे तो आ जाएगा ए माइनस फोर और यहां से प्लस वन कॉमन लोगे तो आएगा ए माइनस फोर इक्वल टू जीरो, तो आपके पास यहां से फोर इसका वैल्यू हो जाएगा ए माइनस फोर इक्वल टू जीरो, डेट इज ए इक्वल टू फोर एक सॉल्यूशन, एंड सेकंड ए प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगा a इक्वल टू माइनस वन। तो a की पॉसिबल टू वैल्यूज आपकी ये हो जाएंगी, ठीक है। अब आपसे उसने कहा है कि ऑल्सो फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, तो ये होंगे आपके पास हेंस हेंस a शुड बी फोर और माइनस वन। अब अगर a आपके पास 4 है तो हम यहां से दो पॉइंट को ले लेते हैं, देयर फोर इक्वेशन पॉइंट a इज इक्वल टू 4.3, b इज 2.1 एंड c आपके पास है 5.4, अदरवाइज -1.3 एंड 2.1 तो है ही आपके पास, एंड दिस विल बिकम 5.-1, ये आपके पास रिस्पेक्टिव पॉइंट्स आ जाएंगे। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -1.3 एंड 2.1, एक तो ये आ जाएगी आपकी, ओके। सो दिस इज y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन। By putting this, आपके पास रिजल्ट आएगा y माइनस थ्री इक्वल टू वन माइनस थ्री अपॉन टू प्लस वन एक्स प्लस वन, ठीक है। तो ये हो जाएगा y माइनस थ्री इज माइनस टू अपॉन थ्री एक्स प्लस वन, इसको जब आप सॉल्व करोगे तो रिजल्ट आएगा 3y माइनस नाइन माइनस टू एक्स माइनस टू, ओके। इसको पूरी टर्म्स को इधर ले आएंगे तो हो जाएगी एक इक्वेशन आ जाएगी 2x प्लस 3y माइनस 7 इक्वल टू जीरो। ये तो आपकी पहली इक्वेशन होगी जब आपने पॉइंट को माइनस वन और थ्री यूज किया है, ठीक है। एंड करके लिख लेते हैं 4.3 2.1, ठीक है। और सेकेंड इक्वेशन व्हेन a इक्वल टू 4, तो इसके लिए आपके पास पॉइंट हो जाएगा 4.3
एंड 2,1, तो इसके लिए इक्वेशन आ जाएगा आपके पास y माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 3 अपॉन 2 माइनस 4 x माइनस 4। जब इसे सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस y माइनस 1 माइनस 2 अपॉन माइनस 2 x माइनस 4, तो ये कैंसिल हो जाएगा वन टाइम, तो इक्वेशन आ जाएगी आपके पास y माइनस 1 इक्वल टू x माइनस 4। इसको सॉल्व कर लेंगे तो फाइनल रिजल्ट आपको मिल जाएगा x माइनस y माइनस 3 इक्वल टू 0। ओके, देयरफॉर दीज टू आर द रिक्वायर्ड इक्वेशंस, नोट कर लीजिए। अच्छा क्वेश्चन था। तो कोलिनियर कैसे प्रूव करना है, इस क्वेश्चन ने आपको ये बताया। इट इज अ वेरी गुड क्वेश्चन, अपीयर्ड इन योर बोर्ड एग्जाम 2014। ओके, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, हाउ टू सॉल्व इट। सी, यूज द ग्राफ फॉर दिस, जो क्वेश्चन है उसके लिए आपको एक ग्राफ बनाना है। द ग्राफ ऑफ लाइन, ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस एंड दिस, फ्रॉम योर ग्राफ फाइंड द वैल्यू ऑफ एट एच एंड के दिस एंड दिस, क्वेश्चन इज अपीयर्ड इन 2005। ठीक है, आपको पॉइंट गिवन किए, गिवन पॉइंट्स, ओके, गिवन पॉइंट है आपके पास ए इज -1,-1 एंड बी आपके पास है 2,5, और आपसे कह रहा है फाइंड एच एंड के इफ, ये हो गया आपके पास एच कोमा 4 एंड 1/2 k पासिंग थ्रू द लाइन। ठीक है, तो एक ग्राफ बना लेते हैं सबसे पहले। ओके, ये आपका x एक्सिस एंड दिस इज y एक्सिस, ये आपका ओरिजिन पॉइंट है। लेट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, सिमिलरली 1, 2, 3, 4, 5, 6, हियर 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड हियर ऑल्सो 1, 2, 3, 4, 5 एंड मोर पॉइंट्स। ठीक है, आपका पॉइंट गिवन किया इनिशियली, पॉइंट ए इज -1,-1। ठीक है, ये ओरिजिन को इधर लिख लेते हैं, ये आपके पास पॉइंट ए है -1,-1। क्लियर। सेकंड पॉइंट इज 2,5, एक्स 2 एंड y कोऑर्डिनेट इज 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो ये हो जाएगा आपका, दिस इज योर कोऑर्डिनेट b 2,5। ठीक है, नाउ जॉइन द लाइन। जब आप इस लाइन को बनाएंगे तो ये लाइन इस तरह से दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन। अब आपसे पॉइंट कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एच एंड के बाय द ग्राफ। ठीक है, तो पहला पॉइंट आपके पास y इक्वल टू 4 है, तो 1, 2, 3, 4 ये आपके पास पहला पॉइंट है। इससे एक ड्रॉप डालिए यहां पर, तो जो लाइन होगी वो इस पॉइंट से जाएगी, यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप आप डालेंगे तो ये आपको इस पॉइंट पे मिल रहा है। अगर ये 1 है और ये 2 है तो ये क्या होगा 1/5, और यू कैन से इज 3/2। क्लियर,
तो ये वाला जो पॉइंट आपका हो जाएगा, दिस इज जो कि आपके पास था एच कोमा फोर इज 3/2, 4, ये आपके पास पहला पॉइंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट आपसे कहा हाफ 1/2 एंड के, तो ये वाली पॉइंट जो आपकी होगी दिस इज 1/2। अब जो इक्वेशन आपका जो ये लाइन जा रहा है वो इससे है, तो ये आपके पास आ जाएगा अबाउट दिस पॉइंट। यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो ये नियर टू टू है, विच मीन्स दिस पॉइंट जो कि आपके पास 1/2, k होगा इज 1/2, 2। देयरफॉर फ्रॉम ग्राफ एच इज इक्वल टू 3/2 एंड के इक्वल टू 2, देयरफॉर पॉइंट्स आर 3/2, 4 एंड 1/2, 2 इज योर आंसर बाय यूजिंग ग्राफ। सॉल्व इट, नोट कर लीजिए। ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, और इस तरह के ग्राफ के जो क्वेश्चन होंगे आप इजिली सेम मेथड में करेंगे। यहां पे जो वेरिएशन थोड़े थोड़े से आए हैं बिकॉज ऑफ इट इज नॉट अ ग्राफ, जब आप ग्राफ पेपर पे करोगे तो बहुत अच्छे से आपका आंसर परफेक्टली आएगा। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट हमारा थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। दैट थर्ड क्वेश्चन इज अपीयर्ड इन 2011। क्वेश्चन इज ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम इन विच ए इज इक्वल टू एक्स वाई, बी सी एंड डी आर गिवन, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए एंड देन इक्वेशन ऑफ डायगोनल बी डी। ठीक है, देखिए गिवन है आपके पास ए एक्स कॉमा वाई। ओके, इसको हम डायरेक्ट पुट करेंगे, हमें एक पैरेललोग्राम गिवन है, पैरेललोग्राम ए बी सी डी एंड इट्स कोऑर्डिनेट। ठीक है, ओके, तो ये हमने एक पैरेललोग्राम बना लेना है। ओके, लेट दिस इज ए बी सी एंड डी। ओके, कोऑर्डिनेट ऑफ ए आपके पास है एक्स कॉमा वाई जो कि कैलकुलेट करना है, बी आपको गिवन है 5.8, सी आपके पास है 4.7 एंड कोऑर्डिनेट डी है 2.-4। ठीक है, आपको सी कैलकुलेट करना है। आपको पता है कि जो स्पेशलिटी होती है पैरेललोग्राम की, अपोजिट टू साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। दूसरी स्पेशलिटी है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के, दे इंटरसेक्ट ईच अदर इक्वली विद द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, विच मींस दिस लाइन फ्रॉम पॉइंट ओ इज इक्वल एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल। ये आप समझ रहे हैं, तो आपके पास बी टू डी ये जो पॉइंट ओ होगा वो क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा। तो लिख लेते हैं, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ पैरेललोग्राम ओ इज मिड पॉइंट ऑफ डायगोनल ए सी एंड बी डी, देयरफॉर वी कैन कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट ऑफ, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ओ, कोऑर्डिनेट ऑफ ओ इज x1 + x2 / 2 एंड y1 + y2 / 2। क्लियर, नाउ कैलकुलेट दीज कोऑर्डिनेट, क्या आ जाएगा, दिस यू विल गेट 2 + 5/2 एंड 8 - 4/2
तो आपको ओ का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा 7/2 and 2. दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ द मिड पॉइंट. नाउ दिस फॉर ए, इसको 1 कर देते हैं, इसको 2. देयरफॉर फॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ए, मिड पॉइंट फॉर्मूला आपके पास होता है x इज x1 + x2 / 2 एंड y इज y1 + y2 / 2. पुट द वैल्यूज, ये आपके पास आ गया 7, 2 and 2. दीज आर द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट. देयरफॉर ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा, x की वैल्यू है आपके पास 7/2 एंड x1 आपको कैलकुलेट करना है एंड यू हैव प्लस x2 इज 4/2, ये कैंसिल हो गया तो x1 आपके पास आ जाएगा 3. ओके एंड नेक्स्ट आपको y कैलकुलेट करना है, y आपके पास वैल्यू है 2, ये हो गया आपके पास y1 जो कि निकालना है आपको एंड -4. ठीक है, -4/2 ये सॉल्व करोगे आप तो हो जाएगा 4 = y1 - 4. तो आपके पास y1 का वैल्यू आ जाएगा 8. देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ए इज 3, 8. ठीक है, अब आपको इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी निकालनी है. ठीक है, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी क्या हो जाएगी, y - y1 / y2 - y1 / x2 - x1 / x - x1. पॉइंट्स आपके पास हैं कैलकुलेटेड, दिस इज बिकम एज 3, 8. पॉइंट है आपके 3, 8 and 5, 8. तो ये हो जाएगा आपके पास y - 8 = 1. यहां पे एक थोड़ा सा देखिए, y2 आपके पास है 7, तो ये आपके पास +7 होगा, ये हो जाएगा आपके पास +7. तो सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3, तो कोऑर्डिनेट बनेगा ए -3, तो ये वाला पॉइंट आपके पास है -3. आप चेक करिए, नाउ दिस विल बिकम --3 = y2, 7 - -3 / x2 = 4 - 3, और ये हो जाएगा आपके पास x - 3. तो इसको सॉल्व करोगे तो हो जाएगी y + 3 = 10/1 = x - 3. सॉल्व करोगे तो आ जाएगा y + 3 = 10x - 30. ऑल वैल्यूज को उधर ले जा लेंगे आप तो इक्वेशन आ जाएगा 10x - y - 33 = 0. वेट स्टूडेंट्स, यहां पे हमने जो पॉइंट्स ले लिए हैं वो एसी का इक्वेशन निकाल दिया, हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ ए बी. ठीक है, तो थोड़ा सा ये पॉइंट्स आपके जो हो गए बाय मिस्टेक गलत हो गए, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं. y + 3 = 8 - 8 और ये हो जाएगा +3,
और नेक्स्ट आ रहा है आपके पास 5 माइनस 3 एक्स माइनस 3, ये बनेगा। एक मिनट चेक कर लेते हैं। 5 8, ओके, तो ये हो जाएगा आपके पास y plus 3 इज इक्वल टू 11/2 एक्स माइनस 3। इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 2y plus 6 इक्वल टू 11x minus 33। ठीक है, इसको सॉल्व कर लीजिए और यू विल गेट द ओके। दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए बी, दिस इज योर आंसर फाइनली। ठीक है, ओके, दिस ओके। हियर स्टूडेंट, इक्वेशन आपको निकालना था बीडी का, हमने ए बी निकाला है, बट यू कैन यूज द सेम फॉर्मेट। और बी आपके पास है, डी है, आप कैलकुलेट कर सकते हो। थैंक यू। मैं निकाल देता हूं इक्वेशन ऑफ बीडी। देखिए, इक्वेशन ऑफ बीडी, ये आपके पास बी आपको गिवन किया हुआ है 5.8 एंड डी आपके पास है 2.-4। देखिए, तो ये आपके पास सेम इक्वेशन है, y minus y1 y2 minus y1 upon x2 minus x1 x minus x1। ठीक है, पुट दोज पॉइंट, y minus 8 is equal to -4 - 8 upon 2 - 5 is x - 5। सॉल्व करेंगे आप इसको तो आ जाएगा y - 8 is equal to -12 upon -3 x - 5। ये हो जाएगा आपके पास 4। ठीक है, कैंसिल होके तो ये हो जाएगी y - 8 is equal to 4 x - 5। इसको सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा y - 8 is equal to 4x - 20। सारी टर्म्स को उधर ले जा लीजिए तो आ जाएगा 4x - y एंड 20 + 8 - 12 = 0। दिस इज योर इक्वेशन ऑफ बीडी। ठीक है, डायगोनल बीडी इज फाइनल आंसर। बाय मिस्टेक हमने इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल दिया था, बट दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, इन क्लास 10th ICSE मैथमेटिक्स चैप्टर 12 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, वी हैव सम मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन विच आर अपीयर्ड इन योर प्रीवियस बोर्ड्स इन 2013, 2002, 2018 and 2015। इन क्वेश्चन को थोड़ा सा सीखते हैं, दीज आर मोस्ट इम्पोर्टेंट एंड वेरी गुड क्वेश्चंस। ठीक है, तो इसमें हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन नंबर 1। ओके, आपको गिवन है इन ट्राइंगल एबीसी वर्टेक्सेस आर गिवन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए। पहले इस ट्राइंगल को बना लेते हैं। दिस इज ट्राइंगल ए बी सी, पॉइंट्स आर गिवन 3.5, 7.8 and 1.-10। ओके, दीज आर द वर्टिक्सेस। आपसे कहा कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ मीडियन थ्रू ए, ए से एक मीडियन आप यहां पे ड्रॉप करिए। और मीडियन की स्पेशलिटी होती है इन ट्राइंगल और एनी पर्टिकुलर ज्योमेट्रिकल फिगर, जिस भी लाइन पे हम इसको ड्रॉप करते हैं फ्रॉम एनी पॉइंट, वो लाइन को 2 equal parts में डिवाइड करता है। तो मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट हो गया M फॉर मीडियन, मीडियन पॉइंट हो गया, एंड दिस M इज फ्रॉम फिगर मीडियन, फ्रॉम फिगर मीडियन हो जाएगा आपके पास
मीडियन इज AM, हमें इसका इक्वेशन निकालना है थ्रू पॉइंट M, ठीक है। तो आप इसके कोऑर्डिनेट को निकाल सकते हो बाय द कॉन्सेप्ट M इज मिड पॉइंट ऑफ BC। तो आपके पास मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है, कोऑर्डिनेट ऑफ M आर x1 प्लस x2 बाय 2 एंड y1 प्लस y2 बाय 2। बाय यूजिंग दिस यू कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ दिस मीडियन। तो ये आपके पास इसका जो कॉन्सेप्ट होगा, पॉइंट आप लोगे कोऑर्डिनेट x, y, दीज आर x1 इज 7 प्लस 1 बाय 2 इज 8 बाय 2, तो x का वैल्यू आपके पास आ जाएगा 4 एंड y होता है y1 इज 8 माइनस 10 बाय 2, सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाएगी -2/2, तो y का वैल्यू आ जाएगा -1। दिस इज देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ m कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट m आर 4, -1, दीज आर द कोऑर्डिनेट। ओके, नाउ इक्वेशन ऑफ मीडियन AM वेयर A इज 3, 5 एंड M इज 4, -1। ओके, दिस इज गिवन बाय y-y1 इज इक्वल टू y2-y1 अपॉन x2-x1 x-x1। ओके, नाउ पुट द पॉइंट्स, y-y1 इज -5 इज -1-5 अपॉन 4-3 इज x-3। ओके, दिस इज x1-y1 एंड दिस इज x2-y2। ओके, देयरफॉर y-5 इज इक्वल टू -6 अपॉन 1 x-3। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा y-5 इज इक्वल टू -6x - +18। ठीक है, ऑन सॉल्विंग फाइनल तो आपके पास आएगा 6x - y और ये हो जाएगा आपके पास -23 इज इक्वल टू 0। This is the required equation of median. Okay, next question देखते हैं। बहुत easy है। ओके, नाउ सॉल्यूशन नंबर सेकंड, और वी से सॉल्यूशन नंबर फिफ्थ क्वेश्चन जो आपके पास है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस एंड हैविंग एक्स इंटरसेप्ट इज -4। आपको एक गिवन किया है, मान लेते हैं रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, फर्स्ट गिवन इज अ पॉइंट, लेट द पॉइंट इज -2, 3 एंड एक्स इंटरसेप्ट इज 4। एक्स इंटरसेप्ट 4 विच मीन्स सपोज कि कोई लाइन आपके पास इस तरह से है जो कि -2, ये -2 हो गया। ओके, एंड 3 ये इक्वेशन है और आपका एक्स इंटरसेप्ट आपको 4 गिवन किया, मतलब वो इस तरह से कुछ जा रही होगी। ठीक है, ये आपके पास इनिशियल पॉइंट है -2, 3 एंड पासिंग फ्रॉम द एक्स इंटरसेप्ट विच इज गिवन टू यू, ये है आपके पास 4, 4। तो इस पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, ये यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस है वो आपको 4 गिवन किया हुआ है।
तो आपके पास B के कोऑर्डिनेट हो जाएंगे B 4, 0, तो पॉइंट B आप यहां से ले लोगे, डेट इज 4, 0, क्लियर। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू टू पॉइंट, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन, इक्वेशन रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पासिंग थ्रू पॉइंट ए -2, 3 एंड वाई इंटरसेप्ट एक्स इंटरसेप्ट इंटरसेप्ट 4 विद पॉइंट बी 4, 0 इज, यह आपके पास इक्वेशन आएगा दैट वाई माइनस वाई वन इज वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन एक्स माइनस एक्स वन, क्लियर। नाउ दिस इक्वेशन इज y माइनस थ्री इज इक्वल टू 0 माइनस थ्री अपॉन, यह आपका है वाई टू एक्स टू वाई टू एंड दिस इज एक्स वन वाई वन, ठीक है। तो ये आपके पास आ गया 4 माइनस माइनस टू एंड x माइनस माइनस टू, ओके। सो y माइनस थ्री इज इक्वल टू माइनस थ्री अपॉन 6 x प्लस टू, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम्स, ये 2 मल्टीप्लाई करिए तो हो जाएगा 2y माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस एक्स माइनस टू, सॉल्व करोगे तो फाइनली आपके पास आएगा x प्लस 2y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, रिक्वायर्ड इक्वेशन इज योर आंसर। ओके नेक्स्ट, नाउ सॉल्यूशन नंबर 6, ओके सिक्स क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। ए बी एंड सी आर वर्टेक्सेस ऑफ ट्राइंगल, M is a point on AB such that AM ratio BM is 1:2. Find the coordinate of M and hence find the equation passing through the point M and C. Okay, इसको देख लेते हैं। आपको given किया है एक triangle. Okay, in which ए बी सी एंड रेशियो आपका ए एम और बी एम है, दिस इज ए एंड दिस इज बी एंड दिस पॉइंट इज सी। ए इज गिवन 2, 5, बी इज -1, 2 एंड सी इज 5, 8, क्लियर। नाउ सच दैट वर्टेक्सेस, एम इज अ पॉइंट ऑन ए बी, मान लेते हैं कि यहां पे कोई पॉइंट है ए बी जो कि ए एम रेशियो बी एम, विच मीन्स ये पॉइंट एम गिवन है आपको यहां पर ए एम रेशियो बी एम इज 1:2, विच मीन्स एम रेशियो एन इज गिवन टू यू 1:2, क्लियर। नाउ ये वाला रेशियो 1 है एंड दिस इज 2, देन यू विल कैलकुलेट दिस पॉइंट एम कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम बाय यूजिंग द सेक्शन फॉर्मूला, फाइंड इट कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एम, कोऑर्डिनेट ऑफ एम
by section formula. Section formula. Okay, ये आपके पास आ जाएगा x is equal to mx2 nx1 m plus n and y का कोऑर्डिनेट हो जाएगा my2 ny1 upon m plus n. क्लियर? तो पुट कर लेते हैं वैल्यूज को. x आपके पास आ जाएगा m is 1 into x2 is 2 plus n is 2 and x1 is 2 upon one minute x1 is minus 1 is 1 plus 2 and when you solve this minus 1 plus 4 by 3 is 1 3 by 3 is 1 तो x आ जाएगा आपके पास 1 and y निकाल लेते हैं तो y हो जाएगा 1 into 2 plus 2 into 5 upon 1 plus 2 ये आ जाएगा आपके पास 2 plus 10 by 3 तो y हो जाएगा आपके पास 12 by 3 is 4. Okay, therefore y हो गया आपके पास 4. Hence the coordinate of m, coordinates of m is 1,4. ये आ गया आपके पास कोऑर्डिनेट ऑफ m. जब आपसे कहा कि जैसे ये मिल जाता है देन यू नीड टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू c एंड m, विच मींस ये आपका रिक्वायर्ड लाइन है जो कि m 1,4 से पास कर रही है. ठीक है? देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन c m, c आपके पास है 5,8 एंड m आपके पास है 1,4. अगेन द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1. ओके, नाउ पुट द वैल्यूज. y माइनस 8 इज इक्वल टू 4 माइनस 8 बाय 1 माइनस 5 x माइनस 5. जब इसको आप सॉल्व करोगे तो हो जाएगा y माइनस 8 इज इक्वल टू माइनस 4 अपॉन माइनस 4 x माइनस 5. ओके, नाउ दिस कैंसिल बाय 1 टाइम तो आपके पास आ जाएगी y माइनस 8 इज इक्वल टू x माइनस 5. इसको सॉल्व करिए, टेक ऑल द टर्म्स towards right, x minus y ये हो जाएगा वहां पे जाके plus 3 equal to 0. This is required equation of line. Okay, and the last question is question number 7. Okay, question number 7, solution. We have given a parallelogram whose vertices are A, B, C, D. Okay, एक parallelogram हमें given है. Given parallelogram A, B, C, D. Okay, इसको बना लेते हैं. A, B, C, D. ये हमारा पैरेललोग्राम है एंड वी हैव द वर्टिक्सेस 3,6, 5,10, 3,2 एंड डी हमें निकालना है तो इसको हम x4, y4 ले लेते हैं. ठीक है? नाउ
आपसे उसने कहा फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ वर्टेक्स डी, देन लेंथ ऑफ डायगनल बी डी, एंड देन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। ओके देखिए, फॉर कैलकुलेशन ऑफ द वर्टेक्स डी ज्वाइन कराइए, इसको ज्वाइन कराइए, और अब आपको पता है कि ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है इन पैरेललोग्राम इट इज इक्वल टू ईच अदर, विच मीन्स दिस ओ इज मिड पॉइंट। ओके देयरफॉर आप कह सकते हो डायगनल्स डायगनल्स ऑफ पैरेललोग्राम दैट इज ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट और बाइसेक्ट ईच अदर, बाइसेक्ट्स ईच अदर एट ओ, दैट इज ओ इज मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड बी डी। क्लियर? तो आप ओ के कोऑर्डिनेट को बाय यूजिंग कोऑर्डिनेट ए एंड सी, ठीक है, तो हम निकाल लेते हैं मिड पॉइंट ऑफ कोऑर्डिनेट ऑफ ओ, ठीक है, आपका ए है 3.6 एंड सी है 3.2, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, ये हो जाएगा आपके पास लेट इट इज एक्स कॉमा वाई, तो एक्स इज इक्वल टू एक्स वन प्लस एक्स टू बाय टू, यू विल कैलकुलेट दिस 3 + 3/2 इज 6/2, एक्स आ जाएगा आपके पास 3। ओके देन वाई निकाल लीजिए, तो वाई आपके पास हो जाएगा वाई टू प्लस वाई थ्री वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, ये वैल्यू हो जाएगी 6 + 2/2 इज 8/2, वाई आपके पास आ जाएगा 4। देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ ओ इज 3.4, ये कोऑर्डिनेट आपके पास 3.4 आ गए। ठीक है, अब आप बी डी निकाल सकते हैं, देयरफॉर लेट वर्टेक्स ऑफ कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आर x4 y4, देयरफॉर x इज इक्वल टू x1 + x4/2 एंड y इज इक्वल टू y1 + y4/2। अगर ये किससे निकाल रहे हैं हम, b आपके पास है 5.10 एंड d x4 y4, ठीक है, इसके लिए हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो आपके पास x का जो वैल्यू आएगा, x आपके पास है 3, x1 आपके पास है 5 प्लस x4 आपको कैलकुलेट करना है, दिस इज 2, मल्टीप्लाई करिए हो जाएगा 6 इक्वल टू 5 प्लस x4, तो x4 का वैल्यू आ रहा है आपके पास 1, ठीक है। इसी तरह से y आपने 4 कैलकुलेट किया है, ये हो जाएगा आपके पास 10 प्लस y4 अपॉन 2, ये होगा आपका 8 इक्वल टू 10 प्लस y4, तो y4 का वैल्यू आ जाएगा -2, ठीक है। देयरफॉर d इज 1, -2, ठीक है, ये आपके पास कोऑर्डिनेट d कैलकुलेट हो गया 1, -2। अब आपको लेंथ ऑफ bd निकालनी है, देयरफॉर लेंथ ऑफ bd, लेंथ ऑफ बीडी आपके पास ये लेंथ विच मीन्स डिस्टेंस, डिस्टेंस फॉर्मूला आपने सेक्शन फॉर्मूले में पढ़ा होगा, डेट इज x2 - x1 होल स्क्वायर + y2 - y1 होल स्क्वायर, ठीक है, बाय पुटिंग दिस लेंथ ऑफ बीडी इज अंडर रूट
बी, ये हो जाएगा आपके पास 1 माइनस 5 होल स्क्वायर प्लस माइनस 2 माइनस 10 होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आ जाएगा 4 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, ठीक है। फाइनली यू विल गेट फ्रॉम हियर 16 प्लस 144, दिस यू गेट बी डी इज 50 इज अंडर रूट 160, दिस इज द लेंथ ऑफ बी डी, ठीक है। इसको आप लिख सकते हैं 40 इंटू 40, नहीं 40 इंटू 4, 16 इंटू 10, ओके ठीक है। इसको आप इजीली सॉल्व कर लेंगे। देन आफ्टर आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ ए बी, ठीक है, इक्वेशन ऑफ ए बी। इसको हम यहां सॉल्व कर लेते हैं। इन द सेम क्वेश्चन थर्ड पार्ट, इक्वेशन ऑफ ए बी, आपके पास ए वर्टेक्स है 3.6 एंड बी इज 5.10, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ ए बी इज y माइनस y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 x माइनस x1 इज y माइनस 6 इज इक्वल टू 10 माइनस 6 अपॉन 5 माइनस 3 x माइनस 3। ये सॉल्व करोगे आएगा y माइनस 6 इज इक्वल टू 4 बाय 2 x माइनस 3, ये कैंसिल हो जाएगा 2 टाइम दिस 2 मल्टीप्लाई इनसाइड, y माइनस 6 इज इक्वल टू 2 x माइनस 6। ऑल वैल्यूज को उधर ले जा लीजिए तो आ जाएगा 2 x माइनस y एंड 6 वहां जाएगा तो हो जाएगा 1 मिनट। y2 y1 is 0, ओके, बिकॉज 6 माइनस 6 इज 0। लेट मी चेक दिस आंसर। यस, ओके, इसको आप BD को लिख सकते हैं BD इज इक्वल टू 16 इंटू 10 एंड 16 का स्क्वायर आपका कॉमन हो जाएगा, दिस यू विल गेट 4 रूट 10 यूनिट, ओके, थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स आज हम आईसीएसई क्लास 10th मैथमेटिक्स में 12th चैप्टर इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का पार्ट बी करेंगे, दैट इज परपेंडिकुलर एंड पैरेलल इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन 12.2। ओके, पहले कुछ बेसिक क्वेश्चन को कर लेते हैं, आफ्टर दैट वी विल डू सम इम्पोर्टेंट एंड ट्रिकी क्वेश्चंस इन विच स्टूडेंट हैव मेनी प्रॉब्लम्स, ठीक है। मेनी टाइम्स यूजुअली अगर किसी बच्चे को इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट पार्ट समझ में आ जाता है कि हाउ टू फाइंड द इक्वेशन इन द इंटरसेप्ट फॉर्म पासिंग थ्रू टू पॉइंट्स एंड एनीथिंग एल्स, तो उसके बाद बच्चे परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस में आफ्टर दैट भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बिकॉज उनको थोड़ी थोड़ी ज्योमेट्रिकल थिंग्स जो प्रॉपर्टीज होती है, कॉन्सेप्ट्स होते हैं, वो एट द टाइम रिमाइंड नहीं होते, तो उनको थोड़ी प्रॉब्लम्स होती है। तो मैं अब आपको
पहले थोड़ा सा बेसिक बता रहा हूं, मैंने आपको कॉन्सेप्ट वीडियो में बताया भी है, बट थोड़ा सा क्वेश्चन के स्टार्ट में बता देता हूं और आफ्टर दैट हम कुछ बेसिक क्वेश्चंस को करेंगे, देन वी विल डू फॉर सम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, नाउ स्टार्ट विद बेसिक क्वेश्चन, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया था इफ द टू लाइंस आर पैरेलल, टू पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस, अगर दो लाइन पैरेलल हैं, जैसे कि y इज इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन एंड y इज इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी टू, ठीक है। फॉर टू पैरेलल लाइंस हमारे पास होता है स्लोप एम वन इक्वल टू एम टू, अगर दो लाइन पैरेलल है तो ये कंडीशन वेरीफाई होगी, ठीक है। सेकेंड, इफ ये पहली कंडीशन है, एंड सेकेंड, अगर दो लाइन परपेंडिकुलर है, ये लाइन वन हो गई, दैट इज y इज इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन, एंड ये सेकेंड लाइन है आपका y इज इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी वन, तो इसकी कंडीशन होती है टू लाइंस परपेंडिकुलर, ठीक है, टू लाइंस परपेंडिकुलर टू ईच अदर, टू ईच अदर। अगर ऐसा है तो आपके पास कंडीशन होता है फॉर परपेंडिकुलरिटी दैट एम वन इंटू एम टू इज इक्वल टू माइनस वन, ये इसका कंडीशन हो गया, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट द प्रॉब्लम, ओके, स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशंस। सॉल्यूशन नंबर वन, कंडीशन हमने बता दिया आपको, ये वेरीफाई होंगे। पहला क्वेश्चन है इफ 6x प्लस 5y माइनस 7 एंड 2px प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0 आर पैरेलल लाइंस, फाइंड पी, ठीक है। गिवन क्या है आपको, गिवन लाइंस, गिवन लाइंस आपके पास हैं 6x प्लस 5y माइनस y इक्वल टू 0 एंड वन मिनट लेट मी राइट दिस लाइन हियर, 6x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू 0 एंड 2px प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। सबसे पहले आपका कंडीशन क्या है कि यू नीड टू कंपेयर द गिवन इक्वेशन विद स्टैंडर्ड इक्वेशन, जो कि होता है mx प्लस c, जो कि मैंने आपको यहां पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब इस आपको दोनों इक्वेशंस को क्या करना है, इन स्टैंडर्ड फॉर्म कैलकुलेट कर लेना है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे आप तो ऑल थिंग्स आर देयर, तो y हो जाएगा आपके पास माइनस 6/5 x एंड प्लस 7/5, ठीक है। एंड सेकेंड इक्वेशन से आपके पास y आ जाएगा, y इज इक्वल टू माइनस 2p अपॉन 5x एंड माइनस 1/5, ये आपके पास दो इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब क्या कहा है आपको कंडीशन में, दैट टू लाइंस आर पैरेलल, क्योंकि दो लाइन पैरेलल है तो आपकी इक्वेशन ये वाली सेटिस्फाई होगी, देयरफॉर बाय कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन आपके पास m1 कितना आ गया माइनस 6/5 एंड m2 आपके पास बन जाएगा माइनस 2p अपॉन 5, ठीक है। देयरफॉर फॉर पैरेललिज्म, फॉर पैरेलल केस m1 इक्वल टू m2, नाउ पुट दिस वैल्यू, माइनस 6 अपॉन 5 इज इक्वल टू माइनस 2p अपॉन 5, ठीक है। देन यू विल कैलकुलेट इट, दिस कैंसिल माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा एंड दिस इज कैंसिल बाय 3, तो आपके पास p का वैल्यू 3 आ जाएगा, दिस इज योर आंसर। नोट डाउन दिस कॉन्सेप्ट को, ऊपर से समझते रहिए कि हम क्या अप्लाई कर रहे हैं एंड देन वी कैलकुलेट वेरी इजिली लाइक क्वेश्चन।
ओके नाउ सेकंड क्वेश्चन इट विल डन. तो सेकंड क्वेश्चन देखिए सॉल्यूशन नंबर टू. इन दिस वी हैव गिवन 2x माइनस बी एंड इट इज ऑल्सो पैरेलल. हमसे वो बोल रहा है कि हाउ ए एंड बी आर कनेक्टेड. ठीक है तो आपके पास है 2x माइनस बी वाई प्लस 5 इक्वल टू जीरो. लेट मी राइट इट इन द फॉर्म फॉर y. तो y हो जाएगा आपके पास 2 अपॉन बी एक्स प्लस 5 अपॉन बी. दिस इज योर इक्वेशन फर्स्ट. एंड सेकंड आपके पास गिवन किया है ए एक्स प्लस 3y इक्वल टू 2. ठीक है तो ये आपके पास हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस ए बाय 3 एक्स माइन वन मिनट इक्वल टू 2 एंड प्लस 2 बाय 3. दिस इज योर इक्वेशन सेकंड. ठीक है तो बाय कंपेयरिंग दिस विद द स्टैंडर्ड इक्वेशन y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी. तो पहले से हमारे पास m1 का वैल्यू आ जाएगा 2 बाय बी एंड सेकेंड इक्वेशन से हमारे पास m2 मिल जाएगा डेट इज माइनस ए बाय 3. ये बात आ गई समझ में. बिकॉज दीज लाइन आर पैरेलल. कंडीशन क्या है द लाइन्स आर पैरेलल. तो हमें एक रिलेशन निकालना है बिटवीन ए एंड बी. तो क्या करेंगे आप फॉर पैरेलल केस m1 इक्वल टू m2 डेट वी गेट 2 अपॉन b इक्वल टू माइनस a अपॉन 6. ठीक है माइनस a अपॉन 3. तो आप इसको कैलकुलेट करके फाइनली आंसर दे सकते हैं दिस 2 मल्टीप्लाई विथ 3 बाय क्रॉस मल्टीप्लाइंग. ठीक है वी गेट फ्रॉम हियर 6 इज इक्वल टू माइनस ए बी. देयर फोर ए बी कनेक्टेड विद अ रिलेशन माइनस 6. दिस इज योर आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. इन थर्ड क्वेश्चन सॉल्यूशन थर्ड वी हैव इन दिस लाइन दिस एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर. फाइंड द रिलेशन बिटवीन ए बी. सेम क्वेश्चन है सेकंड की तरह बट देयर इज द कंडीशन इज द लाइन आर परपेंडिकुलर. ठीक है तो इसको समझिए. गिवन लाइंस आपके पास हैं 3x प्लस बी वाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0. यू कैन राइट दिस एज फॉर y. इसको y के लिए लिखेंगे आप तो हो जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 3 अपॉन बी एक्स प्लस एक्स माइनस 5 अपॉन 3. तो यहां से आपके पास m1 निकल के आ जाएगा बाय कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन. दिस इज माइनस 3 बाय बी. दिस इज द वैल्यू ऑफ m1. ठीक है एंड सेकेंड इक्वेशन आपके पास है ए एक्स माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0. तो जब आप इसको भी लिखेंगे स्टैंडर्ड इक्वेशन में तो ये 5y माइनस का उधर जाएगा और आपको y को कैलकुलेट करना है तो हो जाएगा a अपॉन 5 एक्स प्लस 7 अपॉन 5. यहां से आप m2 को कैलकुलेट कर लोगे बाय कंपेयरिंग स्टैंडर्ड इक्वेशन दैट इज m2 इज इक्वल टू a बाय 5. ठीक है नाउ फॉर परपेंडिकुलर केस व्हेन द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर वी हैव दिस कंडीशन दैट इज m1 इनटू m2 इक्वल टू माइनस 1. ओके नाउ पुट दीज वैल्यू m1
is minus 3 by b and m2 is a upon 5 is equal to minus 1. तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस से माइनस कैंसिल एंड द रिजल्ट विच यू गेट फ्रॉम हियर ए अपॉन बी इज इक्वल टू 5/3. दिस इज द रिजल्ट विच इज रिक्वायर्ड. ओके, टू इजी है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4. ओके, ये कंडीशन आपके आ गई होगी समझ में, तो मैं अब इसको डिलीट कर रहा हूं, इरेज कर लेते हैं इसको, बिकॉज द नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्टेड सम लेंथी पार्ट. ठीक है, देयरफॉर सॉल्यूशन नंबर 4, दिस वी हैव. If the line passing through these point perpendicular to this, ठीक है, इस point से जा रही है and perpendicular है इस line के, ठीक है, one minute. Wait. Yes or not? Okay. हमें यहां पे बताना है क्या line passing through this and this are perpendicular or not. अगर yes तो बताइए और नहीं तो ठीक है. तो देखिए इसको कैसे करोगे आप. Point given है आपके पास. Points are -2, 3 एंड 4, 1 एंड लाइन ऑल्सो गिवन टू यू दैट इज 3x इक्वल टू y प्लस 1. ठीक है, आपको बताना है कि दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर और नॉट. या इस चीज को छोड़ के आप लिख सकते हो वेरीफाई. ओके, वेरीफाई. तो वेरिफिकेशन अगर आपको करना है तो परपेंडिकुलर के लिए कंडीशन क्या होता है, m1 into m2 इक्वल टू माइनस 1. ये आपको प्रूव करना होगा. तो देखिए टू लाइन का से स्लोप आपका होता है m1 लेते हैं इसको, जो कि होगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1. मे बी आई थिंक सम एरर इन दिस क्वेश्चन, बट हम ये कंडीशन देख लेते हैं कि होगी कि नहीं. इसको देखिए, ये हो जाएगा y2 1 माइनस 3 अपॉन 4 माइनस माइनस 2, ये आपके पास आ जाएगा माइनस 2 अपॉन 6. तो m1 का वैल्यू आपके पास आ जाएगा -1/3. ठीक है, एंड नेक्स्ट इक्वेशन आपके पास है स्लोप ऑफ लाइन 3x इक्वल टू y प्लस 1. स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे आप इसको तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3x माइनस 1. तो यहां से आपके पास स्लोप आ जाएगा m2 इज इक्वल टू 3. बिकॉज हमें ये प्रूव करना है या वेरीफाई करना है दीज टू लाइन्स या लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट गिवेन इज परपेंडिकुलर ऑन द गिवन लाइन और नॉट. देयरफॉर फॉर परपेंडिकुलरिटी m1 इंटू m2 इज इक्वल टू m1 आपके पास है 1/3 एंड m2 यू हैव 3, तो ये कैंसिल कर लोगे आपके पास रिजल्ट आएगा -1. दैट इज m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1. हेंस द लाइन्स आर परपेंडिकुलर. द लाइन्स आर परपेंडिकुलर. ठीक है,
डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सॉल्यूशन नंबर फाइव। सॉल्यूशन नंबर फाइव में आपको करना है लाइन थ्रू दिस इज परपेंडिकुलर टू द लाइन गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ बी। ठीक है, गिवन लाइन, गिवन लाइन है आपके पास 2x माइनस 4y इक्वल टू 5 एंड पॉइंट्स आर, पॉइंट्स हैं आपके पास a माइनस 2.3 एंड b 4.b। ओके, आपको कंडीशन गिवन किया है लाइन थ्रू ए बी विच मीन इक्वेशन ऑफ लाइन ए बी, ये आपके पास कॉन्सेप्ट है जो इस क्वेश्चन में कह रहा है। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ ए बी इज परपेंडिकुलर टू और से ऑन 2x माइनस 4y इक्वल टू 5। ठीक है, ऐसी कंडीशन आपके पास है। तो आपको इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए करना क्या है कि आप गिवन लाइन से स्लोप को निकाल लीजिए एंड ये जो पॉइंट आपके पास ए बी गिवन है यहां से भी स्लोप निकाल लीजिए बाय यूजिंग m इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 एंड देन कंडीशन लगाइए परपेंडिकुलरिटी का एंड कैलकुलेट b। सो वी विल स्टार्ट नाउ। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ ए बी दैट इज वी से m2 जो हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। देयरफॉर यू विल कैलकुलेट फ्रॉम हियर m2 इज इक्वल टू m1 इज इक्वल टू वी हैव दिस पॉइंट b माइनस 3 अपॉन 4 माइनस माइनस 2, ये हो जाएगा आपके पास b माइनस 3 अपॉन 6। ठीक है, तो m1 का वैल्यू आपके पास आ गया b माइनस 3 अपॉन 6। दिस इज द स्लोप ऑफ द लाइन ए बी एंड स्लोप ऑफ लाइन जो कि आपको गिवन है 2x माइनस 4y इक्वल टू 5। यहां से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखोगे तो y हो जाएगा 2 बाय 4 एक्स प्लस 5 बाय 4। तो यहां से आपके पास m आ जाएगा, दिस कैंसिल बाय 2 टाइम्स, तो ये हो जाएगी y इज इक्वल टू x बाय 2 माइनस 5 बाय 4। तो ये हो जाएगा आपके पास m2 विच इज 1 बाय 2। इट इज क्लियर। नाउ फॉर परपेंडिकुलर केस, फॉर परपेंडिकुलरिटी ये हो जाएगा आपके पास m1 इंटू m2 इक्वल टू माइनस 1, पुट द वैल्यू, ये आपके पास है b माइनस 3 अपॉन 6 इंटू 1 बाय 2 इक्वल टू माइनस 1। तो ये हो जाएगा आपके पास b माइनस 3 अपॉन 12 इक्वल टू माइनस 1। यहां से आपके पास आ जाएगा b माइनस 3 इक्वल टू माइनस 12। तो फाइनल रिजल्ट आपके पास मिलेगा b इक्वल टू माइनस 12 प्लस 3, देयरफॉर b इज इक्वल टू माइनस 9। दिस इज योर आंसर। ओके, द क्वेश्चंस आर टू इजी बट यू नीड टू अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट बिहाइंड द स्टोरी। ये एक क्वेश्चन है विच इज अपीयर्ड इन 2018। देखिए, आपको गिवन किया इफ द स्ट्रेट लाइन 3x माइनस
5 प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड दिस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर देन फाइंड ए। 2018 का क्वेश्चन है आपका, देखिए हाउ टू सॉल्व दिस। गिवन लाइन्स आपके पास हैं 3x माइनस 5y प्लस 7 इक्वल टू 0, कैलकुलेट इट इज इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, तो ये हो जाएगा आपके पास 5y इक्वल टू 3x प्लस 7। यहां से y को निकालोगे तो हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 बाय 5 एक्स प्लस 7 बाय 5। यहां से आप m1 कैलकुलेट कर सकते हो जो कि आ जाएगा आपके पास 3 बाय 5। ओके, एंड सेकेंड इक्वेशन और लाइन है आपके पास 4x प्लस ए वाई प्लस 9 इज इक्वल टू 0। यहां से भी आप y को कैलकुलेट कर लीजिए तो ये आपके पास आ जाएगा ए वाई इज इक्वल टू माइनस 4x एंड माइनस 9। तो y आपके पास कैलकुलेट होगा माइनस 4 बाय ए एक्स माइनस 9 बाय ए। क्लियर, अब आपको a को कैलकुलेट करना है। सी फ्रॉम हियर यू विल कैलकुलेट m2 इज इक्वल टू माइनस 4 बाय ए। ओके, नाउ फॉर परपेंडिकुलरिटी परपेंडिकुलर का केस क्या होगा, दैट m1 into m2 इक्वल टू माइनस 1। आपके पास m1 है 3 बाय 5 एंड m2 आपने कैलकुलेट किया जस्ट इज 4 बाय a एंड इट इज इक्वल टू माइनस 1। ये माइनस इसको कैंसिल कर देगा, दिस a मल्टीप्लाई हियर, तो ये आपके पास आ जाएगा 12 बाय 5 इक्वल टू a। दिस इज द वैल्यू ऑफ a, इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। डन। ओके स्टूडेंट, इन दिस वीडियो वी विल डू सम मच न्यूमेरिकल विच आर इंपॉर्टेंट एंड सम कॉन्सेप्चुअल कंडीशंस इन बिटवीन द क्वेश्चंस, ठीक है, इन विच सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट। सी पहला क्वेश्चन आपके पास है, इफ लाइन दिस दिस एंड दिस फ्रॉम थ्री कॉन्सिक्यूटिव साइड फॉर्म्स थ्री कॉन्सिक्यूटिव साइड ऑफ रेक्टेंगल फाइंड ए एंड बी। ठीक है, देखिए आपको एक रेक्टेंगल की कंडीशन गिवन की है, ये आपके पास रेक्टेंगल है एंड थ्री कॉन्सिक्यूटिव साइड आपको गिवन की है ए बी सी एंड डी। ओके, अगर हम ए बी को लिखते हैं 3x माइनस प्लस वाई इक्वल टू 4 एंड दिस इज x माइनस ए वाई प्लस 7 इक्वल टू 0 एंड द लास्ट वन इज बी एक्स प्लस 2y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो यहां पे आपको कैलकुलेट करना है फाइंड ए एंड बी, इन दो वैल्यूज को आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, यू ऑल नो रेक्टेंगल प्रॉपर्टीज द कॉन्सिक्यूटिव साइड्स आर एडजेसेंट साइड्स आर परपेंडिकुलर ऑन ईच अदर। हमें तीन कंडीशन दी, तो हम यहां पे देख सकते हैं कि लाइन और साइड ऑफ रेक्टेंगल ए बी पैरेलल टू डी सी। तो यहां पे तो कंडीशन हो जाएगा हमारे पास एम वन, इसके लिए स्लोप को हम कैलकुलेट करेंगे एम वन। लेट इस कैलकुलेट एम वन, सॉल्व करोगे तो आ जाएगा
दिस इक्वेशन कैन बी रिटन एज, ये इक्वेशन वाई इज इक्वल टू हो जाएगा 3x-4 स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया, तो ये निकल जाएगा आपके पास m1, ये हो जाएगा आपके पास 3, क्लियर? ओके, इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन आपके पास आ जाएगी ay इज इक्वल टू एक्स प्लस 7, तो y का वैल्यू हो जाएगा x बाय a प्लस 7 बाय a, विच मीन्स m2 आपको कैलकुलेट हो गया यहां पर 1 बाय a, ठीक है? This. और यहां से निकाल लीजिए m3 क्या हो जाएगा आपके पास 2y इज इक्वल टू -bx-5, तो y हो जाएगा आपके पास -b/2x-5/2, तो यहां से m3 को आप कैलकुलेट कर लोगे जो कि हो जाएगा आपके पास -b/2, ये आपके पास 3 स्लोप आ जाएंगे इस तरह से, क्लियर? नाउ पहला कंडीशन तो हो गया कि ए बी डी सी के पैरेलल है, विच मीन्स m1 और m3 होंगे, पहली कंडीशन ये आ जाएगी बाय द कॉन्सेप्ट ऑफ रेक्टेंगल। एंड सेकंड, फर्स्ट केस एंड सेकंड केस इज बी सी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, विच मीन्स फॉर दिस m1 into m2 इक्वल टू -1, ये आपके पास कंडीशन होगा, ठीक है? तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, देयरफॉर ये आपने ऐसे सॉल्व कर लेना है इक्वेशन को नेक्स्ट लाइन में, वहां से आप फर्स्ट केस लगाओगे, केस 1, और या फिर आप कह सकते हो फ्रॉम द साइड ऑफ ट्राइंगल फ्रॉम फिगर ए बी पैरेलल टू डी सी, देयर फोर m1 इक्वल टू m3, और m1 आपके पास है 3 एंड m3 इज -b/2, तो आप यहां से कैलकुलेट कर सकते हैं b इज इक्वल टू -6, ओके? नाउ एंड सेकेंड केस इज बी सी परपेंडिकुलर ऑन ए बी, देयर फोर m1 into m2 इक्वल टू -1, तो आपके पास आ जाएगा 3 into 1/a इक्वल टू -1, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपके पास -3, ठीक है? देयर फोर a इज इक्वल टू -3 एंड b इज इक्वल टू -6, दिस इज योर आंसर। कॉन्सेप्ट सिंपल है, डन? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन परपेंडिकुलर टू दिस एंड हैविंग वाई इंटरसेप्ट एज द लाइन दिस। ओके, गिवन लाइन आपके पास है, गिवन लाइन्स 3x-4y+12=0, यहां से आप क्या करिए, एंड सेकंड आपको कंडीशन है ये इक्वेशन फर्स्ट (2x-y+5=0), ठीक है? ये आपके पास इक्वेशन सेकंड है, आपको कंडीशन कह रहा है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन होज परपेंडिकुलर ऑन दिस एंड हैविंग वाई इंटरसेप्ट सच एज दिस, ठीक है? तो ये इक्वेशन होगा आपके पास, फर्स्ट तो कैलकुलेट करिए
स्लोप ऑफ इक्वेशन वन, स्लोप ऑफ इक्वेशन वन जो कि आपके पास हो जाएगा, इसको सिंपल फॉर्म में लिख लेते हैं, 4y इज इक्वल टू 3x प्लस 12, तो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 बाय 4x प्लस 12 बाय 4, तो ये रिजल्ट आपके पास आ जाएगा y इज इक्वल टू 3 बाय 4x प्लस 3। यहां से आप इसका स्लोप निकाल लोगे, m1 इज इक्वल टू 3 बाय 4, ठीक है। अच्छा, अब कॉन्सेप्ट को देखिए, कॉन्सेप्ट आपको इसमें दे रहा है, जिस लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है, ठीक है, उसका इंटरसेप्ट बिल्कुल वही है जो इस लाइन में इंटरसेप्ट है, ठीक है। तो पहले इस लाइन को देखते हैं, इक्वेशन ऑफ लाइन ये रिक्वायर्ड, इक्वेशन ऑफ लाइन हैव सेम वाई इंटरसेप्ट एज लाइन 2x माइनस वाई प्लस 5 हैव इक्वल टू 0 हैव, ठीक है। देखो सिंपल फॉर्म में अगर आप इसको लिखेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा y इज इक्वल टू 2x प्लस 5, ठीक है। अगर आप इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करते हो, डेट इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो ये जो होता है दिस इज y इंटरसेप्ट, ये मैंने आपको बताया है कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट वीडियो में, ठीक है। ये आपके पास y इंटरसेप्ट होता है, विच मीन्स आपके पास c जो है वो कितना है 5 है फॉर योर क्वेश्चन, ठीक है। एंड नाउ the required equation, equation of required line, required line perpendicular to equation one, ठीक है। therefore स्लोप m2 इज इक्वल टू 1 अपॉन m1 बाय द परपेंडिकुलर केस, बाय परपेंडिकुलर कंडीशन, परपेंडिकुलर कंडीशन से ये आपके रिजल्ट हो जाएगा, तो m2 हो जाएगी आपके पास m2 इज इक्वल टू माइनस 1 अपॉन 3 बाय 4, इसको आप कैलकुलेट कर लोगे m2 इज इक्वल टू माइनस 4 बाय 3, ठीक है। तो अब देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन क्या आ जाएगा आपके पास, रिक्वायर्ड इक्वेशन आप सिंपल लिखिए y इज इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी, तो ये आपके पास आ जाएगी y इज इक्वल टू एम टू आपने कैलकुलेट किया माइनस 4 बाय 3 x एंड प्लस इंटरसेप्ट इज सेम इज 5, ठीक है। देयरफॉर सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा 3x 3y माइनस 4x प्लस 5, तो फाइनल फॉर्म में लिखोगे तो हो जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0, दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, सी सॉल्यूशन नंबर 3, क्वेश्चन आपको कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट दिस, इस पॉइंट से जा रहा है एंड पैरेलल टू लाइन दिस, ठीक है। तो गिवन है आपको, गिवन पॉइंट इज 0,4 एंड लाइन
एंड लाइन 3x प्लस 5y प्लस 15 इक्वल टू जीरो। ठीक है, तो सी स्लोप ऑफ दिस लाइन, स्लोप ऑफ लाइन इज 5y इज इक्वल टू, कैलकुलेट कर लेते हैं पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में, 5y इक्वल टू 3x प्लस माइनस 3x माइनस 15, तो आपके पास ये आ जाएगा y इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 5 x एंड 5 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा माइनस 3, तो इस लाइन का स्लोप m1 आपके पास आ जाएगा माइनस 3 बाय 5। ठीक है, देयरफॉर रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन, रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, पासिंग थ्रू पॉइंट 0.4 एंड पैरेलल टू गिवन लाइन विद स्लोप, पैरेलल टू गिवन लाइन विद स्लोप माइनस 3.5। ठीक है, बिकॉज लाइन इज पैरेलल देयरफॉर एम वन इक्वल टू एम टू इक्वल टू माइनस 3/5 इज क्या हो जाएगी इक्वेशन, वाई माइनस वाई वन इज इक्वल टू एम वन एक्स माइनस एक्स वन, एम टू या एम वन कुछ भी रखिए बिकॉज पैरेलल में बोथ स्लोप्स आर इक्वल, देयरफॉर वाई माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस 3/5 एंड एक्स माइनस जीरो। सॉल्व करोगे तो यह आ जाएगा आपके पास 5y माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस 3x, फाइनल इक्वेशन बन जाएगा 3x प्लस 5y माइनस 20 इक्वल टू जीरो, दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। दैट इज ये हो गया सॉल्यूशन नंबर 3। ओके, 3 हो गए, फोर्थ है सॉल्यूशन नंबर 4। देखिए कह रहा है फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट दिस। ठीक है, परपेंडिकुलर का केस है, विच मीन्स जो इसका इक्वेशन आएगा उसके स्लोप को हम क्या कर लेंगे, m1 into m2 equal to minus 1। तो देखिए गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट है माइनस 1 कोमा माइनस 2 एंड लाइन, लाइन आपके पास है 3x प्लस 8y इक्वल टू 12। ठीक है, इस लाइन से स्लोप निकालिए इसका तो आएगा आपके पास 8y इक्वल टू माइनस 3x प्लस 12, y का वैल्यू हो जाएगा माइनस 3 बाय 8 x प्लस 12 बाय 8, इसको ऐसे छोड़ दीजिए, ये आपके पास क्या होता है m होता है, देयरफॉर m इज इक्वल टू माइनस 3 बाय 8। ओके, जिस लाइन का आपको इक्वेशन निकालना है वो लाइन क्या है, इसके परपेंडिकुलर है, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू गिवन लाइन, गिवन लाइन ऑफ इक्वेशन वन, ये आपके पास इक्वेशन वन है, इसका स्लोप आपका ये निकला तो यहां से आपके पास आ जाएगा m1 into m2 equal to minus 1, तो m2 आपके पास हो जाएगा minus 1 upon m1, calculate from here, तो m2 का वैल्यू हो जाएगा आपके पास minus 1 upon minus 3 by 8, तो m2 हो जाएगा 8 by 3। ठीक है, ये आपके पास स्लोप है। नाउ
इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट -1, -2 एंड परपेंडिकुलर टू इक्वेशन वन, या आप कह सकते हो परपेंडिकुलर टू द लाइन दिस विद स्लोप m2 इक्वल टू -1/m1, दैट इज m2 इक्वल टू 8/3। तो क्या आ जाएगा आपके पास, देयरफोर y-y1 इज इक्वल टू m2x-x1। y आपके पास आ गया y-y1 है -2, ये हो जाएगा आपके पास 8/3 एंड x--1। सॉल्व करोगे तो आ जाएगा y+2 इज इक्वल टू, ये हो गया आपके पास -3 एंड 8x+1। तो ये रिजल्ट आएगा आपके पास 3y+6 इक्वल टू 8x+8। फाइनल सॉल्व करोगे हो जाएगा 8x-3y+2 इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सीधा नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉल्यूशन नंबर 5। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू दिस एंड पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द, ये गिवन लाइन, ठीक है, गिवन लाइन आपके पास है 2x+5y-7 इक्वल टू 0 एंड पॉइंट्स आपको गिवन किए, दैट इज 2,7 एंड -4,1। ठीक है, देखिए अब यहां पे आपके पास ये दो पॉइंट हैं ए एंड बी, 2,7 एंड -4,1। ठीक है, ये लाइन जो है, ओके, अब एक लाइन है जो कि इसके मिड पॉइंट से पास करेगी, मान लेते हैं इस तरह से पास कर रही है रिक्वायर्ड लाइन, ये आपके पास क्या है, रिक्वायर्ड लाइन है, ओके, रिक्वायर्ड लाइन। और ये रिक्वायर्ड लाइन कैसी है, तो इसके लिए बताया दैट रिक्वायर्ड लाइन इज पैरेलल टू गिवन लाइन। हो सकता है जो गिवन लाइन है वो ये वाली है या इधर से कहीं से है, ये आपकी गिवन लाइन है, इसको लिख लेते हैं 2x+5y-7=0, या तो ये और अदरवाइज ये। ठीक है, तो टू लाइंस पैरेलल हैं, पहले आपको क्या करना है, मिड पॉइंट निकाल लेना है, उस पॉइंट से इस लाइन को पास करना है और स्लोप आपको किससे मिल जाएगा, जो कि लाइन गिवन है। ओके, तो सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। फर्स्ट मिड पॉइंट, लेट इट इज m, मिड पॉइंट के लिए m वर्ड यूज कर लेते हैं, तो कोऑर्डिनेट ऑफ m आपके हो जाएंगे x, y। ठीक है, कैलकुलेट कर लेते हैं कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट m, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ ए बी m, ठीक है, विचार m इज इक्वल टू x1+x2/2 एंड y1+y2/2। ठीक है, ये आपके मिड पॉइंट हो जाएंगे, कैलकुलेट करिए तो ये हो जाएगा आपके पास -4+2/2,
वन प्लस सेवन अपॉन टू, तो ये आपके पास आ जाएगा माइनस वन कोमा फोर. दिस इज द कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट. ठीक है, नाउ कैलकुलेट द स्लोप ऑफ दिस लाइन. स्लोप ऑफ गिवन लाइन, ओके, स्लोप ऑफ गिवन लाइन देखिए. लाइन आपको गिवन है 2x प्लस 5y माइनस 7 इक्वल टू जीरो, तो इसको y के फॉर्म में लिखोगे तो हो जाएगा 5y इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 7, तो y का वैल्यू आ जाएगा माइनस 2 बाय 5 x प्लस 7, तो इसका स्लोप आ जाएगा आपके पास m इज इक्वल टू माइनस 2 बाय 7. दिस इज द स्लोप. ठीक है, नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, पासिंग फ्रॉम एम विच इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी एंड पैरेलल टू गिवन लाइन विद स्लोप हुज स्लोप इज माइनस टू बाय सेवन. ठीक है, इज क्या हो जाएगा, वाई माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन. ओके, पॉइंट आपके पास है दैट इज दिस, तो ये हो जाएगा वाई माइनस फोर इज इक्वल टू माइनस टू बाय सेवन एक्स माइनस माइनस वन. ओके, तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा सेवन वाई माइनस 28 इक्वल टू माइनस टू एक्स, ये हो जाएगा आपका माइनस माइनस प्लस एंड माइनस टू इज मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगी आपके पास टू. ठीक है, तो जब इसको फाइनल सॉल्व करेंगे आप तो ये सब चीजों को इधर ले आओ तो हो जाएगा 2x प्लस 7y एंड माइनस टू इधर आएगा तो हो जाएगा माइनस 26 इक्वल टू जीरो. दिस इज रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन विच इज पासिंग थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द गिवन पॉइंट ए एंड बी. नोट डाउन दिस. ओके, एट लास्ट क्वेश्चन वी हैव सी. सॉल्यूशन नंबर 6. So we have find the equation of line perpendicular to line this and passing through the midpoint of line segment joining the point this and this. Okay, so given line aapke paas hai is 3x plus 2y minus 8 equal to 0. सेम क्वेश्चन है, यहां पे आपके पास परपेंडिकुलर केस गिवन है. ठीक है, तो इसका स्लोप निकाल लीजिए तो ये हो जाएगा 2y इज इक्वल टू माइनस 3x प्लस 8, तो y इज इक्वल टू हो जाएगा माइनस 3 बाय 2 एंड 8 डिवाइड बाय 2 इज 4, तो इस लाइन से आपके पास स्लोप आ जाएगा m1 विच इज माइनस 3 बाय 2. ये तो आपके पास स्लोप हो गया गिवन लाइन का. ठीक है, एंड पॉइंट्स आपके पास हैं, पॉइंट्स है ये आपके पास पॉइंट ए एंड दिस इज बी और दीज आर 5, माइनस 2 एंड
2.2, ठीक है। और आपको कहा है कि दिस इज मिड पॉइंट, मिड पॉइंट का पॉइंट हो गया आपके पास x एंड y। अब इसको कैलकुलेट करना है तो बाय मिड पॉइंट फॉर्मूला, मिड पॉइंट फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ऑफ m, ऑफ m इज x1 प्लस x2 बाय 2 कॉमा y1 प्लस y2 बाय 2, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, m इज 5 प्लस 2 बाय 2 कॉमा माइनस 2 प्लस 2 बाय 2, तो ये आ जाएगा आपके पास m इज 7 बाय 2 कॉमा 0, ठीक है। ये जो कोऑर्डिनेट है आपके पास ये हो गया 7 बाय 2 कॉमा 0। अब लाइन क्या है, इसके इस पॉइंट से पास कर रही है एंड स्लोप विच इज परपेंडिकुलर टू द स्लोप ऑफ गिवन लाइन, ठीक है। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू मिड पॉइंट of AB is m which is 7 by 2 comma 0 and slope perpendicular to the slope of given line is माइनस 3 बाय 2, ठीक है। तो यहां से आप क्या करिए, स्लोप निकाल लीजिए m2, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन m1, m1 आपका कैलकुलेट हो गया है तो ये हो जाएगा माइनस 3 बाय 2। सॉल्व करोगे तो हो जाएगा m2 जो कि आपकी रिक्वायर्ड लाइन के लिए स्लोप बनेगा डेट इज 3 बाय 2, ठीक है। आपको ये स्लोप यूज करना है और पॉइंट आपके पास ये वाला है, ठीक है। तो देयर फोर ये हो जाएगा आपके पास y माइनस वाई वन इक्वल टू एम टू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। दिस इज योर रिक्वायर्ड लाइन इज y माइनस जीरो इक्वल टू 2 बाय 3 एक्स माइनस 7 बाय 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपके पास 3y इज इक्वल टू 2 बाय 3 एक्स माइनस 2 इंटू 7 बाय 2, तो ये कैंसिल कर जाएगा आपके पास आ जाएगी नेक्स्ट 3y इज इक्वल टू 2 बाय 3 एक्स माइनस 7। इसको जब आप सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग एलसीएम, वन मिनट, ये तो 3 आपने इधर डाल दिया तो वन मिनट देखिए, ये 3 आपने मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 2 एक्स माइनस 2 इंटू 7 बाय 2, ये कैंसिल हो गया तो हो जाएगा 3y इज इक्वल टू 2 एक्स माइनस 7। तो इक्वेशन हो जाएगा आपके पास 2x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर, नोट डाउन, ओके, थैंक यू।